हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हास्य सम्राट बांके लाल और तिलिस्म देव की ये धमाकेदार कॉमिक्स, बांके लाल और तिलिस्म देव की ये तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। बांके अभी भागने की सोच ही रहा था कि ओ यह क्या, ही, मैं तो हूं पक्का आलसी शेर, भोजन भी बैठे बिठाए मिल जाए तो ही करता हूं। लेकिन अब ये बंदा खुद ही भोजन बनने मेरी मान में घुस आया है, तो भला फिर मैं इतना शरीफ थोड़े ही ना हूं। ही, तुझे तो मैं अपनी पूंछ के एक ही लपेटे में, ही, बचाओ। पता नहीं ये मनुष्य इतने डरपोक क्यों होते हैं, मुझे देखकर तो इनकी नानी ही मर जाती है। हाय मर गया दम। शेर को अपने सामने देख बांके लाल का एक एक रोंगटा भय से खड़ा हो गया। शेर नहीं तो क्या गीदड़, ही, पहले एक भयंकर दहाड़ मारकर इसका रहा सहा दम भी निकाल दूं, फिर खाऊंगा इस बोदी वाले को। दहाड़, बचाओ दम। बांके लाल गुफा के मुंह की ओर भागा। आई हाथ आया शिकार निकल रहा है, अब तो आलस त्यागना ही पड़ेगा। गुर्र। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही बांके को एक जबरदस्त झटका और लगा। गुफा के द्वार पर पत्थर किसने रखा? बांके लाल ने पत्थरों की झिरी में से झांक कर देखा। केकड़ा, गुर्र, मर गया। बाहर केकड़ा, भीतर शेर, आगे कुआ पीछे खाई। उहु। बांके लाल, तेरा समय आ गया, अब शेर तुझे बिना डकार मारे हजम कर जाएगा, मैं क्या करूं? अचानक तिलिस्म देव को सच्चे मन से याद करो तो वे अवश्य ही दुखियों की फरियाद सुनकर मदद करते हैं। बांके लाल, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो कर सच्चे मन से याद तिलिस्म देव को। वक्त पड़ने पर तो बांके गधे को भी बाप बना लेता है। फिर यह भी तो देखना है मुझे कि तिलिस्म देव आखिर चीज क्या है। और हे तिलिस्म देव, तू तो दुखियों की फरियाद सुनता है, मुझसे बड़ा दुखी तो इस संसार में ढूंढे नहीं मिलेगा। मेरी योजना की कितनी टांगे टूट गई जिससे दूसरों का भला ही भला हुआ। अब अगर मुझे मेरी टांगों सहित ये शेर खा गया तो फिर जिस नेक कार्य के लिए मैं निकला हूं वह कैसे पूर्ण होगा? तुझे तेरी नेकियों का वास्ता तिलिस्म देव, प्रकट हो, प्रकट हो, मेरी मदद मत कर। उन लोगों की मदद कर जो केकड़े और जादूगर जिम जमा जम के सताए हुए हैं। तिलिस्म देव, ओ बांके लाल मुझे याद कर रहा है। बांके लाल सचमुच एक नेक कार्य के लिए निकला है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी शेर ने बांके पर छलांग लगा दी। सबसे पहले इस बोदी वाले का भेजा खाऊंगा, बचाओ। इसी पल बांके तो हो गया गायब और शेर टकराया गुफा की दीवार से। तड़ाक, ई, कहाँ गया मेरा शिकार? बहु बहु, शेर से भी मजाक कर गया वो बोदी वाला। इधर बांके लाल, अरे शेर की मान से निकलकर मैं ये कहाँ आ पहुंचा? तुम्हें मैं यहाँ लाया हूं वत्स बांके लाल। कौन बोला? ये कौन से तिलिस्म में आ फंसा अब मैं? तिलिस्म देव प्रकट हो गए। तुमने मुझे याद किया था ना बांके लाल? तिलिस्म देव, हम जानते हैं बांके लाल कि तुम सचमुच एक नेक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकले हो, इसलिए हम तुम्हें कुएं और खाई के बीच से निकालकर यहां ले आए हैं। हो तो ये हैं बाबा तिलिस्म देव। केकड़ा लोक के राक्षस, केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का आतंक समाप्त करने के लिए हम तुम्हें विराट रूप शक्ति दे रहे हैं बाके लाल। अगले ही पल, हो अरे यह क्या, पृथ्वी मुझसे इतनी दूर कैसे हो गई? बाके लाल, ये है तुम्हारा विराट रूप, तुम चाहो जब जितना चाहो होना चाहो हो सकते हो। हो वर्ष में आज के दिन हम बिल्कुल निष्क्रिय से हो जाते हैं। बाके लाल, तुमने सही वक्त पर हमें याद कर लिया, अन्यथा आज हम सूर्य ढलने तक समाधि में लीन हो जाते और तुम्हारी पुकार ना सुन पाते। फिर देखते ही देखते बांके लाल अपने वास्तविक कद में लौट आया। जाओ बांके लाल, तुम्हारा कार्य समाप्त होते ही
विराट शक्ति स्वयं ही मेरे पास लौट आएगी। मेरा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति लौट जाएगी। क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि फिर अपना कार्य समाप्त करूँगा? बेटे तिलिस्म देव, तू अभी बांकेलाल को ठीक से जानता नहीं है। हे। अब मैं देखूँगा कि बांकेलाल के रहते तिलिस्म देव का नाम किसकी जुबान पर आता है। अब वक्त आ गया है देवपुत्र करण से वर मांगने का। बांकेलाल ने मन ही मन कोई ताना बाना बुनते हुए देवपुत्र को याद किया। हो देवपुत्र करण, कहो बांकेलाल कैसे याद किया? देवपुत्र करण, मुझे यह वर दो कि जब तक मैं सामने रहूं, सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान रहे और वह शक्ति विहीन हो जाए। तथास्तु। किंतु बांकेलाल, इस वरदान की अवधि आज केवल सूर्य ढलने तक ही होगी। ऐसा कहकर देवपुत्र करण गायब हो गया। वाह, अब आएगा मजा। अब देखता हूँ तिलिस्म देव अपनी शक्ति कैसे वापस लेता है। बल्कि तिलिस्म देव की शक्तियों के बल पर अब मैं तीनों लोकों पर राज करूँगा और इस कार्य में मुझे जादूगर जिम जमाजम और केकड़े की मदद लेनी होगी। बांकेलाल को अब तक शेर खा गया होगा जादूगर जिम जमाजम। तभी, ओहो यह क्या? अरे यह तो बांकेलाल है। हा, मूर्खो, अब बांकेलाल के पास तिलिस्म देव की दी हुई शक्ति है। बांकेलाल, मैं चाहूं तो मच्छरों की तरह पीस डालू तुम्हें। तिलिस्म देव, केकड़े ने अपने गले में पड़े हार का मोती तोड़ दिया। मुझे यह सूचना केकड़ा महाराज मकोड़ा को देनी होगी। केकड़ा लोग, केकड़ा के जादुई मोती टूटने की आवाज। यह मोती तो केकड़े को तब तोड़ना था जब तिलिस्म देव का पता उसे लग जाता। अगले ही पल भयानक प्रसन्नता में डूबा मकोड़ा चीख पड़ा, सेनापति टुकड़े, सेना एकत्रित करो, तिलिस्म देव का पता चल गया है। क्या सच महाराज? मैं अभी सेना को तैयार होने का आदेश देता हूँ और हम यह शुभ समाचार रानी केकड़ी को देकर अभी केकड़ा लोक के मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं। तुम सेना लेकर वहीं पहुँचो। जो आज्ञा महाराज। एक विशाल सेना के साथ राजा मकोड़ा और सेनापति टुकड़े पृथ्वी की ओर चल पड़े। हा, तिलिस्म देव की सारी शक्तियाँ छीनकर तीनों लोगों का राजा बनूंगा मैं। उधर बांकेलाल अपनी योजना को कार्य रूप देने में लगा था। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पलक झपकते मसल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो हम तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं। भला वो कैसे? बांके अपने वास्तविक कद में आ गया। मैं तुम्हें तिलिस्म देव के निवास स्थान तक ले जाऊंगा। इस वक्त तिलिस्म देव को मारना आसान होगा क्योंकि वह आज के दिन बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा। तिलिस्म देव को मारकर मैं उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा, फिर हम तीनों मिलकर तीनों लोकों पर राज करेंगे। वाह, योजना बुरी नहीं है, लेकिन मैं राजकुमारी हिरण्यलता को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं उससे हिमालय के पवित्र स्थान पर विवाह करूंगा। फिर जादूगर जिम जमाजम ने निकट ही एक अन्य गुफा में कैद राजकुमारी हिरण्यलता को स्वतंत्र किया। हा, अब तुम शीघ्र ही जादूगर जिम जमाजम की पत्नी बनोगी। नहीं, आ बांकेलाल अपने अभियान पर चल पड़ा। ये दोनों जैसे ही तिलिस्म देव को समाप्त करेंगे, मैं इन्हें भी समाप्त कर दूंगा। महाराज मकोड़ा हमारा पीछा करते हुए तिलिस्म देव तक पहुंच जाएंगे। शीघ्र ही ये रहे तिलिस्म देव। तिलिस्म देव के सामने पड़ते ही तिलिस्म देव की सारी दिव्य शक्तियां बांकेलाल में प्रवेश कर गई। ओ, लगता है देवपुत्र के वर के फलस्वरूप तिलिस्म देव की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई हैं। जादूगर जिम जमाजम की मायावी शक्ति के फलस्वरूप उसके हाथ में प्रकट हुई तलवार। इस तलवार से मैं तिलिस्म देव के दो टुकड़े कर दूंगा। बांकेलाल, तुम राजकुमारी हिरण्यलता का ध्यान रखना। हिरण्यलता यहां से भागकर नहीं जा सकती जादूगर जिम जमाजम। बांकेलाल, तो क्या है? यही है बांकेलाल, आज सर्वत्र जिसका नाम आदर से लिया जाता है, जिसके राजा विक्रम सिंह के
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल पिताजी ने पकड़ रखा है, किंतु ये यहाँ क्या चक्कर चला रहे हैं? ही, बेटा बांके, इस बार तेरी योजना में पूरा दम खम है। इधर जैसे ही जादूगर जिम जमाजम ने अपनी तलवार त्रिशमदेव पर वार करने के लिए उठाई, कच हो, केकड़ा लोक के राजा मकोड़ा ने उसे मार डाला। महाराज, शाबाश केकड़े, हम तुमसे प्रसन्न हुए। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया था वह तुमने पूरा कर दिखाया। योजना के मुताबिक तुम धरती पर पहुंचे और वहां अपना आतंक फैलाकर तुम तिलिस्म देव तक पहुंची गए। पृथ्वी पर तुम्हारा साथ देने वाले जादूगर जिम जमाजम को हम मारना नहीं चाहते थे, किंतु अगर हम ऐसा ना करते तो वह तिलिस्म देव की गर्दन धड़ से जुदा कर देता और हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। अब मैं अपनी मायावी शक्तियों से निष्क्रिय पड़े तिलिस्म देव की सारी दिव्य शक्तियां छीन लूंगा। ओम। इन दिव्य शक्तियों को पाकर मैं तीनों लोकों का राजा बनूंगा। हा। राजा मकोड़ा ने मंत्र प्रहार किया, किंतु यह क्या, इस मायावी मंत्र शक्ति के फलस्वरूप तिलिस्म देव की शक्तियां मेरे अंदर आ जानी चाहिए थी। मेरा मंत्र प्रहार व्यर्थ नहीं जा सकता। इसका मतलब तिलिस्म देव की शक्तियां इस समय तिलिस्म देव के अंदर नहीं है। यह कैसे हो सकता है? कहीं इसमें बांके लाल की कोई चाल तो नहीं है? राजा मकोड़ा की क्रोधित मायावी निगाहें बांके लाल की ओर उठ गई। बांके लाल, ओहो, तिलिस्म देव की सारी शक्तियां तो बांके लाल के पास है। अरे बाप रे, ये शैतान तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मारकर तिलिस्म देव की सारी शक्तियां छीन ले जाएगा। बांके लाल, वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, भागो। केकड़ा राक्षसों के भय से बांके लाल यह भी भूल गया कि वह अब तिलिस्म देव की शक्तियों का मालिक है। भागो बांके लाल, बचकर नहीं निकलना चाहिए। बचकर कहाँ जाएगा, इससे तो मुझे अपनी आंख का बदला भी लेना है। उधर राजा विक्रम सिंह और चौकट सिंह, उफ, कितने दिनों से बांके लाल का कुछ पता नहीं है, और ना जाने मेरी बेटी उस दुष्ट जादूगर की कैद में किस हाल में होगी। चौकट सिंह जी, हम स्वयं बांके लाल की तलाश में जाएंगे, कहीं वह किसी संकट में ना फंस गया हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा महाराज। सैनिकों के एक दल के साथ राजा विक्रम सिंह और चौकट सिंह बांके लाल और हिरण्यलता की तलाश में निकल पड़े। हे ईश्वर, मेरा बाके जहां भी हो उसकी रक्षा करना, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु। तभी, अरे ये तो बांके लाल है। बांके लाल के साथ मेरी बेटी हिरण्यलता भी है। राजा विक्रम सिंह शीघ्रता से रथ रुकवाकर बांके की ओर लपके। बांके लाल, राजा विक्रम सिंह, फिर बांके लाल, मेरा प्यारा बांके लाल, तू कहाँ चला गया था रे? मेरी बच्ची, पिताजी। तभी वह रहा बांके लाल, पकड़ लो, मर गए। केकड़ा राक्षसों की सेना ने सबको घेर लिया। हा, अब तुम सब मरोगे, मेरा बदला भी आज पूरा होगा। बांके लाल, कुछ करो नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। आप फिक्र मत करें महाराज, और मेरा चमत्कार देखिए, तिलिस्म देव की विराट शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ। अगले ही पल, हटो पीछे मच्छरो, आ, उफ। तभी बांके लाल इस मंत्र प्रहार शक्ति से तिलिस्म देव की सारी शक्तियां जो तुझ में समाई है मेरे अंदर आ जाएगी। हा। अगले ही क्षण चौंक पड़ा केकड़ा राक्षसों का राजा मकोड़ा। मेरी मंत्र प्रहार शक्ति विफल हो गई। इधर बांके लाल कुछ सोचकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियां मुझ में आ जाती है। और हा, राक्षस राज मकोड़ा, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे देवपुत्र करण के वर के फलस्वरूप तुम्हारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर रहेगी। क्या, अब देखो बांके का कमाल। हा, आ, मरा, बचाओ। इधर विक्रम सिंह भी अपने सैनिकों के साथ केकड़ा राक्षसों पर टूट पड़े। मारो,
मार डालो इन दुष्टों को। आह, बांकेलाल मन ही मन बड़बड़ाया, हे राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियों, मेरे शरीर से निकलकर केकड़ा राक्षसों की सेना का सफाया कर दो। बांकेलाल के शरीर से राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियां निकलने लगी। उफ, मेरी शक्तियां मेरे सैनिकों व सेनापति टुकड़े पर टूट पड़ी है। बांकेलाल द्वारा छोड़ी गई राक्षस राज मकोड़ा की दिव्य शक्तियों ने केकड़ा राक्षसों में भगदड़ मचा दी। बचाओ, आह, भागो! शीघ्र ही मकोड़ा की सेना भाग खड़ी हुई। रुक जाओ कंबख्तो, मुकाबला करो। महाराज, उन कायरों को जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूं। उफ, अगले ही क्षण, आह, अरे, हा, खबरदार बांकेलाल, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारे महाराज को मार डालूंगा। बांकेलाल, बचाओ! बेटा माखे, अगर केकड़े को तूने मारा तो तेरी विराट शक्ति तुरंत तिलिस्म देव के पास वापस चली जाएगी। अपने सबसे बड़े दुश्मन विक्रम सिंह को खत्म करने का यही मौका है। बांकेलाल ने मन ही मन योजना बनाई और ए राक्षसराज मकोड़े की शक्तियों, मुझे एक भाला दो। चल मेरे भाले, कर दे राजा विक्रम सिंह का काम तमाम। बांकेलाल, बचाओ! सर! ठीक इसी पल चौकट सिंह का फेंका बाला धस गया केकड़े के पंजे में और आ, उफ, सर! बांकेलाल का फेंका बाला ज्यादा सा केकड़े की छाती में, आई, कच्छ! केकड़ा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। यह देखते ही केकड़ा भी मारा गया और मेरी शक्तियां तब तक बांकेलाल के पास रहेगी जब तक मैं उसके सामने रहूंगा। भागने में ही भलाई है। इधर केकड़े के मरते ही बांके अपने वास्तविक रूप में आ गया। ओ, तिलिस्म देव के कथनानुसार मेरी विराट रूप शक्ति केकड़े के मरते ही वापस चली गई। राजा विक्रम सिंह अपने रथ पर चढ़े राक्षस राज मकोड़े के पीछे लपके, मैं तुझे पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। जल्दी करो बांकेलाल, महाराज विक्रम सिंह अकेले रथ लेकर दुश्मन के पीछे गए हैं। दिन छिपने वाला है। सूर्य पश्चिम की ओट में जाते ही देवपुत्र कर्ण का वरदान समाप्त हो जाएगा। फिर मेरे सामने आने पर भी उसकी शक्तियां उसी के पास रहेंगी। सूर्य ढलने से पूर्व ही किसी प्रकार मकोड़ा के सामने पहुंचकर उसे समाप्त करना होगा। इधर विक्रम सिंह रथ पर उसका पीछा करते करते रुक गए। कहाँ छिप गया कंबक? तभी हो, यह क्या? आह! विक्रम सिंह ने तलवार का वार किया। कच्छ! आह! इसी क्षण चौकट सिंह, राजकुमारी हिरण्यलता तथा बांकेलाल भी वहां आ पहुंचे। महाराज के प्राण संकट में है, सूर्य छिपने वाला है। मकोड़ा के सामने पहुंचते ही मकोड़ा की शक्तियां खिंचकर बांकेलाल में प्रवेश कर गई। फिर इससे पहले कि बांकेलाल उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता, सूर्य छिप गया। उफ, राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियां मेरे अंदर से निकल गई हैं। ओ, मेरे अंदर पहले जैसी शक्ति का संचार हो गया है। इसका मतलब, हा, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पलक झपकने के साथ ही राक्षस राज मकोड़ा ने उन सबको अपनी शक्तियों से बांध दिया। हा, उफ, अब मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाकर कैद करूंगा। अब इस दुष्ट की कैद से छूटने का एक ही तरीका है महाराज। हे तिलिस्म देव, हमारी मदद करो। अगले ही पल हो मकोड़ा के जादुई बंधन टूट गए। कड़ाक! तिलिस्म देव, अब ये निष्क्रिय अवस्था में नहीं है, मुझे भाग निकलना चाहिए, अन्यथा मेरी खैर नहीं। लेकिन ठीक इसी पल, आ, सू, मैं जल रहा हूं, बचाओ! देखते ही देखते मकोड़ा जलकर राख में बदल गया। मकोड़ा के मरते ही तिलिस्म देव की जय! वाह, संकट टल गया। हे देव पुरुष, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए, आपने हमें एक भयानक मुसीबत से बचा लिया। तब फिर मेरी नहीं, बांके लाल की जय बोलो। बांके लाल? हाँ, अगर आज बांके लाल ना होता तो निष्क्रिय अवस्था में होने के कारण मकोड़ा मेरी सारी शक्तियां छीनकर मुझे समाप्त कर देता। किंतु जिस समय मकोड़ा ने मुझ पर आक्रमण किया उस समय मेरी सारी शक्तियां बांके लाल के पास थी।
देवपुत्र के वरदान के कारण जैसे ही बांके लाल मेरे सामने से दूर हुआ, मेरी शक्तियां मेरे पास वापस पहुंच गई। और अब चूंकि मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अतः मैं यहां से जा रहा हूं। इसी के साथ तिलिस्म देव वहां से गायब हो गए। बोलो तिलिस्म देव की जय। जान आफत में पड़ी बांके लाल की और जय जयकार हो रही है उस कंबख्त तिलिस्म देव की। विक्रम सिंह ने घोषणा की, बांके लाल तुम्हारे कार्य से प्रसन्न होकर मैं यज्ञ के बाद यज्ञ का घोड़ा बादल तुम्हें इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। सिर्फ घोड़ा, लानत है इस ऐसे इनाम पर। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, मेरा प्यारा बांके लाल आ गले लग जा। काश गुफा का वह आलसी शेर मुझे खाने में थोड़ी चुस्ती दिखा जाता। भू भू। इस प्रकार बादल को लेकर विक्रम सिंह ने चौकट सिंह को पुनः वहां का राजा नियुक्त कर दिया और अपनी विशाल सेना तथा बांके लाल के साथ वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।